हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खुराना किचन। तो आज हम जो रेसिपी बनाएंगे वो है वेज क्लम्प सैंडविच। यकीन मानिए, ये इतनी ज़्यादा यम्मी बनकर तैयार होगी कि आप खाते रह जाएंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए आधा कप कैप्सिकम और आधा कप ही अनियन लेंगे हम। उसके बाद हम कुछ कैरेट्स लेंगे चॉप। अब हम यहाँ पर कुछ चॉप कैबेज लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ मेयोनीज है, 4 से 5 टेबलस्पून मैंने मेयोनीज लिया, वो इसमें डाल देंगे दोस्तों। आधा छोटा चम्मच ब्लैक पेपर और सॉल्ट लेंगे स्वाद अनुसार। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। इसके एक अच्छी सी फीलिंग बनाएंगे, जैसे कोल्सलो फीलिंग्स होती है ना दोस्तों, वैसे ही। अब जो आपके पास घर पर ब्रेड अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। तो ब्रेड लेने के बाद हम इस पर थोड़ा सा बटर लगाएंगे दोस्तों। तो हम यहाँ पर सारे स्लाइसेस पर बटर लगा लेंगे दोस्तों, कुछ इस तरह से। हमने ये सैंडविच बाहर बहुत बारी खाया होगा फ्रेंड्स, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर इस तरह से आप ये सैंडविच को घर पर बनाएंगे तो आप बाहर का सैंडविच भूल जाएंगे और ये इतना ज़्यादा यम्मी बनेगा कि आप खाते रह जाएंगे इस सैंडविच को। बटर से दो काम होंगे दोस्तों, एक तो इसका क्रंचीनेस बढ़ेगा, क्रिस्पीनेस बढ़ेगा, और दूसरा टेस्ट भी बढ़ेगा। तो बटर लगाने में कंजूसी ना करें। अब हम अपनी जो हमने फीलिंग तैयार की थी ना कोल्सलो वाली, हम उसको ब्रेड के ऊपर डाल देंगे। अच्छे से स्प्रेड करेंगे इसको। देखिए इस तरह से। अब हम इसको यम्मी बनाने के लिए कुछ चीज़ डालेंगे। मैंने यहाँ पर चीज़ स्लाइस का यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई भी चीज़ आप के पास अवेलेबल हो आप वो यूज कर सकते हैं। अब हम इस पर ब्रेड का दूसरा स्लाइस भी रख देंगे और हमारी जो फीलिंग है वो उस पर दोबारा से लगाएंगे इस तरह से। ये सैंडविच 5 से 10 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है, तो आप जरूर ट्राई कीजिए इसको। अब मैंने यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स कट करके रखे थे, टमाटो, अनियन और कुकुम्बर। हम उसको यहाँ पर लगा देंगे हमारे सैंडविचेस पर। एक तो ये सैंडविच हेल्दी भी होगा और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी होगा। तो मैं यहाँ पर 4 लेयर सैंडविच बना रहा हूँ दोस्तों, आप चाहे तो 3 लेयर भी बना सकते हैं। इसको और ज़्यादा यम्मी करने के लिए हम इस पर चीज़ स्लाइस लगाएंगे और उस पर भी कुछ वेजिटेबल्स अप्लाई कर देंगे, लगा देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इस पर थोड़ा सा ब्लैक पेपर को स्प्रिंकल करेंगे और जो हमारा बचा हुआ ब्रेड का स्लाइस है ना वो भी इस पर लगा देंगे। अब अगले स्टेप में हम एक पैन लेंगे और थोड़ा सा बटर अप्लाई करेंगे उस पर, और जो हमारा सैंडविच है हम उसको कुछ सेकंड्स के लिए रख देंगे। यहाँ पर हम सैंडविच को लो हीट पर पकाएंगे, हाई हीट पर पकाने से ये जल भी सकता है नीचे से। इस सैंडविच को पलटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, तो केयरफुली हमें इसे पलटना होगा इस तरह से। अब इसको नीचे से भी हल्का ब्राउनिश सेक लेंगे। देखिए हमारा सैंडविच रेडी हो गया है। चलिए इसे कट कर कर देखते हैं। अंदर से देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा यम है। मैं इसे खोल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए
चीज़, मेयोनीज, वेजिटेबल्स, हर एक चीज़ इस सैंडविच में अवेलेबल है। आप ज़रूर इस यम्मी डिश को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आप इसे इवनिंग और मॉर्निंग दोनों में आप इसे बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हैव ए गुड डे।